अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो मैंने आज हिम्मत की, मैंने कहा चलो व्लॉग बनाती हूँ, वरना मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही कि मैं आज व्लॉग शुरू करूँ लेकिन फिर भी कर ली, पूरे घर के काम कर ली। तो अब जो है ना बारी आती है दोपहर के खाने की। तो मामा ने बनाया है आज चिकन का सालन बनाया है, लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा, मेरा दिल कर रहा है कि मैं ऑमलेट खाऊँ। तो हमारा ऑमलेट किचन में रेडी हो रहा है, मैं रख के दूँगी। लगता है मामा ऑन ले आई हैं। ब्रेकफास्ट इज रेडी। चलो भाई हमारा आ गया ऑमलेट। मैं खाती नहीं हूँ, वरना वैसे मैं खाती नहीं हूँ अंडा, पता ही है। लेकिन आज मेरा पता नहीं क्यों दिल कर रहा था ऑमलेट खाने का, मैं खुद खाती हूँ अपना ऑमलेट। ये देखिए, ये है हमारा ऑमलेट, ये है चिकन का सालन, ये अली साहब अपना है ना, मैं देख रहे हैं, ये रहे अली साहब। तो आज जो है ना, चूँकि छुट्टी का दिन है तो लेट सोकर उठे हैं तो नाश्ता स्किप हो चुका है और दोपहर के खाने का टाइम हो रहा है। तो बस मैंने कहा पहले घर के काम कर लेते हैं फिर खाना खाएंगे, क्योंकि ना फिर हिम्मत नहीं होती खाना खाने के बाद। वैसे भी मुझे फिर ना अभी ट्यूशन पढ़ाने के लिए निकलना है, छुट्टी है तो चलो जल्दी निकल जाएंगे। तो बस हम अपना नाश्ता करते हैं, नाश्ता प्लस खाना दोपहर का, और फिर आपसे मिलते हैं। और ये रही मामा, मामा आपको बहुत ठंड लग रही है सच्ची में? रात को हमें इन्होंने घर से निकाला, कहती कोई ठंड नहीं है बेटा, कोई ठंड नहीं, चलो चले, कोई ठंड नहीं, बाहर गए लग पता गया। लिटरली मुझे लग पता गया बाहर। सुनो वो वाली ठंड जो कि अंदर से हमें तकलीफ दे रही थी ना, उसमें कुछ परसेंट कमी आई है लाहौर में। हाँ लेकिन अगर 1% कमी में या 40% कमी में जमीन आसमान का फर्क है। मामा मुझे लग पता गया था कि सर्दी खत्म हो गई है। नहीं नहीं, लेकिन पापा ने कहा सर्दी है। अच्छा चलो भाई हम नाश्ता करते हैं। थैंक यू, मैं समझ, मैं ना ऑमलेट छोड़ के आ गई और व्लॉग बनाना शुरू कर गई, मैं भूल ही गई कि मैंने ऑमलेट रखा। तो मामा ने जाना ले आई, मामा मेरे लिए। अब हम अपना नाश्ता प्लस खाना करते हैं। व्हाट इज दिस बिहेवियर? और अभी जो है ना हम लोग पढ़ाने आए हैं, तो मैंने कहा देखो पानी क्या हो रहा है नीचे, तो ऊपर मैं छत पे आई हूँ और मैंने देखा, ये दिखाती हूँ, ये देखिए सारा पानी क्या हुआ है। ये क्या काम हो रहे हैं जरा दिखाना, कंबल हो रहे हैं। किसका कंबल है ये? राफे का कंबल, बचपन का कंबल है, दिखाओ। ये देख सारा पानी गया। राफे तुमने किसकी चप्पल पहनी हुई है? मामा की चप्पल पहनी है। मामा ये कोई जगह धोने वाली है ऊपर पीछे ना, और कोई जगह नहीं मिल रही थी नीचे आने वाली, तो फायदा हो रही थी के जाऊं। ये देख लफड़े नीचे नीचे से पड़े थे ना, ये बच्चे यहाँ पे लगे हुए कंबलों में। पढ़ाने आई हूँ, मैंने कहा चलो पढ़ने चलते हैं, तो कह रहे हैं कि आज नहीं पढ़ना। हाँ देखते हैं, आ जाओ चलो बच्चों नीचे चले, इनसे कहते हैं भाई चले नीचे चलते हैं, और नीचे चल के पढ़े भाई। मैं पहले इन लोगों की वजह से लिफ्ट आई हूँ आज। ये नीचे भी सारा पानी हुआ भाई, सारा पानी किया इन बच्चों ने। चलो रबिया इतना हैवी है, ओए होए। हाँ ये देखे स्लाइड करके कैसी कैसी हरकतें कर रहे हैं ये बच्चे। बस चलो, बस चलो नी पढ़ने। रबिया राफे इतने से इधर इतनी सी जगह पे नहीं धुलेगा ये, पहले भी यही दिया था। पढ़ना नहीं है आज तुम दोनों ने? है नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं पढ़ना? जैकेट अब तो पता नहीं, आज जो है ना अजीब हुआ है कि बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही है, पास लग रहा है। कल इतनी ज़्यादा ठंड थी, मामा से भी बात करी थी कि कल बहुत ज़्यादा ठंड थी, अभी जब मैं आई हूँ तो यहाँ पे बाहर तो बिल्कुल भी ठंड नहीं है। और बल्कि जैकेट वैकेट जो पहनी हुई है, इसमें भी दिल ना अजीब सा घबरा रहे, एक दिन में एक रात में बल्कि
जिंदगी बदल गई, जज्बात बदल गए। ये लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ गई? कर लिया आपने, पढ़ लिया आपने रबिया, बिजली की चीजों में नहीं घुसना। चलो अभी मामा आएंगी तब, चलो शाबाश। हाँ ठीक है, अभी हाँ ठीक है, जाए कपड़े चेंज करें, पूरी गीली गीली हो गई है और अब कपड़े चेंज करने जा रही हूँ। चलो भाई उधर सो रहा है जी। तो फ्रेंड्स हम लोग जो है ना वो घर आ गए थे, और घर आके इतना कामों में मसरूफ हुए घर के, और मुझे अपने व्लॉग भी एडिट करना था, फ़ौरन डालना था, और फिर उसके आपको पता है बहुत ही एडिटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और उसके बाद थंबनेल वगैरह ये सब चीज़ें इनकी ना अलग ही जो है ना व्लॉगिंग के लिए आपको लगती हैं चीज़ें, तो बस उसमें मसरूफ होकर उसके बाद बाबा आ गए, खाना खाया, तो बस अभी जाके मुझे टाइम मिला व्लॉग बनाने का। मैं मामा को भी अभी यही बात कह रही थी कि ये रहे पहले तो मामा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप, क्या कर रही हैं आप? ये शिकायत कर रही हैं मामा जो है ना, क्या कहते हैं, एक सेकेंड मैं बताती हूँ आपको। मामा को फिजियोथेरापिस्ट के पास जो 2-3 दिन से नहीं जा पा रही क्योंकि ठंड थी, आज जाके ठंड कम हुई है। मामा आज ऐसी ठंड कम हुई है जैसे कि पहले ठंड थी ही नहीं। नहीं आप ऐसी भी बात नहीं मामा, आप दोपहर में नहीं निकली, लेकिन हाँ, आपको फील बहुत होता, कम हुई है बहुत ज़्यादा। नहीं मैं सच बता रही हूँ, दोपहर में काफ़ी कम थी, कि मतलब हमने जो स्वेटर्स भी पहने हुए थे ना, दिल कर था वो भी उतार दो सच्ची में। अच्छा इतनी दोपहर में, अब शाम में जाके थोड़ी ठीक हो गई थी। अच्छा ठंड घर में तो खैर ठंड लग रही थी, घर में ठंड लग रही थी लेकिन बाहर नहीं थी दोपहर में। बल्कि मुझे घर में, मैं जब थी ना घर में तब मैं कह रही थी मेरे को ठंड है ठंड है ठंड है, पहले व्लॉग में भी बात की थी, लेकिन जैसे मैं वहाँ गई सभी हाला क्या ठंड ऐसे लगा थी नहीं सच में बाहर निकल के। इस वजह से भी ना धूप आ रही थी, धूप बहुत प्यारी थी। उसका घर तो ओपन है। हाँ उनका घर है भी ओपन, लेकिन बड़ी प्यारी, बड़ी प्यारी धूप थी। तो बस अभी जो है ना, हाँ मैं आपको बता रही थी मामा डॉक्टर के पास नहीं जा पा रही थी फिजियोथेरेपिस्ट के पास, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए मामा जो है ना आजकल अपनी सिकाई कर रही हैं, क्योंकि डॉक्टर ने कहा हुआ है कि आपने सिकाई रेगुलर की। नहीं नहीं उन्होंने कहा है पहले सिकाई करनी है और उसके बाद एक्सरसाइज करनी है जी। तो अभी तो मामा का सिकाई टाइम है, मामा सिकाई कर रही हैं, और मुझे जो है ना रात वाली भूख लग गई। तो रात के भूख के लिए ना हम देखते हैं कि क्या हो सकता है हमारे लिए, किचन में जाते हैं देख। एंड फ्रेंड्स मैं कुछ ना कुछ जो है ना मुझे खाने को मिल गया था, और मैं अभी खा चुकी हूँ शुक्र अल्लाह का। मुझे क्रेविंग हो रही थी ना खाने की, वो मेरी पूरी हो गई, बहुत शदीद ज़्यादा, बहुत ज़्यादा शदीद मुझे जो है ना क्रेविंग हो रही थी, मामा की वजह से मेरी हो गई पूरी। और अली जो है ना वो अभी गया हुआ था, कहाँ गए हुए थे आप अभी? हाँ जी हसन के साथ गेम्स खेलने गया हुआ था उसके साथ, तो ये अभी गेम्स खेल के वहाँ से आया है। तो बस अब जो है ना आज के ब्लॉग का मैं पे एंड लेते हैं, और मुझे इजाज़त दीजिए आप, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नए ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ। आप सब अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।